जैन दोस्तों, वंस अगेन मैं हाजिर हूँ लोकेश चौधरी आप सभी के सामने मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्या में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में जो मेरा इंटेंशन है या जो मेरा पार्ट है वो है बेटा वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड काम कराना। यानी आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेस्ड ऑन वर्क एंड वेजेस होगी। देखिए, कहने के लिए तो ये चैप्टर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं बता देता हूँ बेटा कि सही कंसेप्ट की ज़रूरत इसी टाइप में पड़ेगी आपको। इस टाइप में क्या ज़रूरत पड़ेगी, उन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू और एक पॉइंटों को समझाना चाहूँगा, क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे। पहले चीज़ों को ध्यान से समझना है कि मेरा मेन मकसद क्या है इस कंसेप्ट को समझाने का। देखिए, काम किस तरीके से होता है और पैसे हमें कैसे मिलते हैं ये समझना है। सबसे पहले आप मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि मान लीजिए कि मेरी एफिशिएंसी किसी से ज़्यादा है और हम दोनों व्यक्ति अगर काम करें तो डेफिनेट सी बात है कि भाई हम दोनों में पैसे मुझको ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि शेयर किसका ज़्यादा होगा, अगर मैं शेयर की बात करूं, किस आदमी का शेयर ज़्यादा होगा, किस व्यक्ति को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बेटा, शेयर हमेशा उसी का ग्रेटर होगा। किसका ग्रेटर होगा, जिसका वर्क ग्रेटर होगा। नई बात समझ में आ रही है, टेक्निकल टीम बोर्ड पर ध्यान दे। शेयर उस व्यक्ति का बड़ा होगा जिसका क्या बड़ा होगा, वर्क। यानी कि हमेशा और हमेशा शेयर डिपेंड करता है किस पर, वर्क पर। किस पर डिपेंड करता है, वर्क पर। और वर्क किस पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी पर। भाई जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी डेफिनेट सी बात है वो काम भी ज़्यादा करेगा। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि मेरी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और के बावजूद मैं यहाँ से देखता हूँ क्वेश्चन में कि मैंने काम कम समय तक किया और जिसकी एफिशिएंसी कम थी उसने काम ज़्यादा समय तक किया। तो मैं वही सब कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने काम ज़्यादा किया होगा उसका शेयर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति काम ज़्यादा करेगा उसका शेयर भी ज़्यादा होगा। तो अब आपको यहाँ से समझना होगा कि शेयर यानी एफिशिएंसी, इन सब में क्या रिलेशन है और क्या पॉइंट समझना है। तो सबसे पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूँ एक बहुत छोटी सी पॉइंट से, कि जब कभी भी कोई शेयर डिवाइड होगा तो वो डिवाइड होगा बेटा वर्क के बेस पर। किसके बेस पर डिवाइड होगा, वर्क के बेस पर। और वर्क की आपको पता है कि कहानी किस पर चलती है, ए इंटू टी पर। अगर एक आदमी काम कर लेता है वो काम करेगा ई इंटू टी से। इसके बाद में मैंने कहा कि इसी चीज़ को आप शेयर में बांटिए। तो मैंने कहा कि शेयर ये कहता है कि वर्क इंटू एक यूनिट पर मिली हुई मजदूरी पर यूनिट। इसको ऐसे समझ लें, यानी कि जितना काम किया है अगर उस काम में एक यूनिट वर्क पर जितनी भी वेजेस मिलती है उसका यदि गुणा कर दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एनीवन शेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनीवन शेयर आ जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति की हिस्सेदारी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसने काम कितना किया और उसे एक काम के पैसे कितने मिले। अब इन चीज़ों को भी हमें समझना है। छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहना, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इन्हीं के आधार पर मैं चाहता हूँ कि सारे टाइप की पहले एक समरी में पहले दे दूँ, ठीक है ना, तो चीज़ों को बहुत आसान समझ लिया जाए। तो पहले पॉइंट पर आप यहाँ से जान ही चुके हैं कि वर्क इक्वलेंट होता है ई इंटू टी। शेयर इक्वलेंट क्या होगा कि वर्क इंटू वेजेस पर यूनिट, एक यूनिट काम करने में मिला पैसा। अब एक यूनिट काम करने में पैसा कहाँ से निकल कर आ जाएगा बेटा, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जब वेजेस की बात पूछी जाएगी कि वेजेस क्या मिला, यानी एक यूनिट वेजेस क्या होगा, तो आप जानते हैं कि एक यूनिट वेजेस का मतलब ये होगा यहाँ से कि अब ये जो पैसा मिलेगा पर यूनिट वेजेस का, तो आपको क्या करना है कि टोटल वेजेस ऊपर लिखनी है और नीचे लिखना है बेटा टोटल वर्क। जैसे मान लीजिए मुझे किसी काम को करने के लिए 1800 रुपये मिलते हैं और मैं मान लूँ कि मैं इस 1800 रुपये में 50 चेयर बनाता हूँ, तो 50 चेयर बनना मेरा टोटल काम है और 50 चेयर के लिए मुझे मिलने वाली मजदूरी कितनी है बेटा, कितनी मजदूरी है 50, यहाँ से 1800 रुपये। तो आप जानते हैं यहाँ से कि जब मैं इसे कैंसिल करूँगा
तो यहाँ प्रत्येक चेयर के लिए मिलने वाले पैसे मुझे कितने होंगे, 36 रुपीज़। अब 36 रुपीज़ जब मुझे एक यूनिट के पैसे मिल जाते हैं, तो मैं अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ये कह देता हूँ कि मैंने 4 चेयर बनाई हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया, और एक चेयर का पैसा कितना मिलता है 36, तो टोटल चेयर का पैसा मुझे कितना मिल गया जो मैंने बनाई है, कितना पैसा मिल गया बेटा, 144 रुपीज़। देखिए बहुत चीज़ें ज़रूरत हैं, मैं वंस अगेन आपको इन सबको बहुत डिस्क्रिप्शन मोड में लेके चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन में जब टाइप जुड़ेंगे तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बनेंगी, लेकिन कंसेप्ट जब तक हमें नहीं पता होगा हम इस टाइप के, इसमें देखिए वर्क एंड वेजेस में अपने कुछ सब टाइप हैं, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। जब आपका शेयर एफिशिएंसी पर रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वर्क एफिशिएंसी पर रिलेटेड होगा, पर डे एफिशिएंसी पर रिलेटेड होगा, कम ज़्यादा पर रिलेटेड होगा, तो वहाँ ना थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी पर एक चीज़ को लिख लीजिए कि वर्क इक्वलेंट किसके होता है, ई इंटू टी के, बात समझ रहे हैं। इसके बाद में आप यहाँ से दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे कि यहाँ से एक यूनिट शेयर, आप ऐसे लिखिएगा इसे, एक यूनिट शेयर, या आप यहाँ से वेजेस, ठीक है ना, इसे मैं कई बार एक्स भी कहूँगा, आप अपनी कॉपी पर इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। एक यूनिट यानी एक्स शेयर या वेजेस बराबर जो होगा वो होगा बेटा हमारे यहाँ से टोटल वेजेस ओवर टोटल वर्क, बात समझ रहे हैं, टोटल वेजेस ओवर टोटल वर्क। इसके बाद में जब किसी भी व्यक्ति का टोटल हम यहाँ से शेयर करेंगे, एनी वन शेयर, ठीक है ना, एनी वन शेयर, तो उस समय पर क्या होगा कि उस आदमी ने कितना काम किया ये देखना होगा, और इनटू एक यूनिट का जो वेजेस है वो हमें यहाँ से करना होगा। आप, मैंने कहा इस पूरी प्रॉपर्टी को एक यूनिट एक्स कह रहा हूँ जो आगे मेरे लिए काम आएगा, ठीक है ना, वर्क इनटू एक्स, आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, बाकी आपको पहले ही क्वेश्चन में मैं पहले डिस्क्रिप्शन मोड दूंगा, उसके बाद उसमें बनने वाली ट्रिक्स पर डिस्कस करूंगा कि क्या कहानी है, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर राइट मार दीजिएगा। आप कहेंगे सर इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ गई, तो मैंने बेटा यही तो कहा है कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स क्या है कि 4-5 अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, आपको दे जाते हैं, इंप्रेस कर देते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप चीज़ों को, जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं ये क्यों आप में भेदभाव करूं कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे पैसे लिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम पढ़ाना है। देखिए आज की व्यवस्थाओं में मुझे कोई खर्च नहीं करना तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, जब मैं कोचिंग सेंटर चला रहा होता हूं तो उन व्यवस्थाओं में मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, इसीलिए मुझे आप सबसे लेना होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं जितना एक्सपेंस कर रहा हूं उतना मैं पर्सनली बियर कर सकता हूं, इसीलिए आप लोगों से मुझे कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मैं मोटा एक्सपेंस करूंगा तो आपसे फीस भी लूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं पहले सवाल के साथ और चीज़ों को समझते हैं ज़रा। देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन, और आप अपनी कॉपी पर पहला टाइप लगा लेंगे, और जो ए टाइप है वो है शेयर बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमताओं पर आधारित हिस्सा। लेकिन मैंने इसमें एक नोट भी लिखा है, लेकिन सभी का टाइम इक्वल होना चाहिए, सभी का टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, पहले मैं इस क्वेश्चन का एक फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको, एक फुल डिटेल, उसके बाद हम ट्रिक्स में आएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम एक पहले कंसेप्ट से समझेंगे फिर ट्रिक्स में आ जाएंगे, लेकिन चीज़ों को समझना होगा जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा। आप क्या करते हैं, सीधा सीधा 16-24 एलसीएम निकाला, एफिशिएंसी कंफर्म की, और डायरेक्ट आपने कम एफिशिएंसी से बांट दिया, लेकिन आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 24 डेज में कर सकता है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कई बार क्या होता है कि जब शेयर के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये वैल्यू नहीं भी दी जाती, तो इसको आपको समझना है। तथा कार्य के अंत में उन्हें 500 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई, तब ए का शेयर क्या, यानी उसका हिस्सा क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ए उस काम को 16 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बेटा यहाँ से आप इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे कि एलसीएम आ जाएगा 48। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है, अभी पहले डिटेल समझ लो, उसके बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर आते रहेंगे, चाहिए ना, एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 16 से आपने यहाँ से भाग दिया तो 3 टाइम गया, और 24 का भाग दिया 2 टाइम गया, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी ध्यान दे रहे हैं।
अब आपसे सवाल में कह रहा है कि दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, तो सबसे पहले आपको ये डिटेल करनी होगी कि आखिरकार वो टाइम कितना था जितने समय तक ए और बी ने कार्य मिलकर किया। तो आप कहेंगे सर टाइम निकालने के लिए हमें टोटल वर्क ऊपर चाहिए, टोटल एफिशिएंसी नीचे चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी कि 3 और 2 5 दोनों मिलकर करते थे तो मिलकर इनकी एफिशिएंसी 5 बन जाती है और इनको टोटल काम कितने करने थे 48। तो इतने समय तक वो काम हुआ, यहाँ तक बात सही है। अब मैं यहाँ से अगले कंडीशन में चलता हूँ कि जो टोटल वर्क है वो कितना है बेटा, 48 है। कितना काम है, 48। तो मैं यही कहूँगा यहाँ से कि 48 यूनिट का जो पैसा है वो 500 है। तो एक यूनिट का जो पैसा है वो 500 ओवर 48 होगा। मुझे यहाँ से जवाब दो, यहाँ तक बात फाइनल है। यानी कि 48 यूनिट, भाई आपने 48 काम करने तभी तो 500 रुपये मिलेंगे, तो एक काम करने के लिए 500 × 48 रुपये मिलेंगे। यहाँ तक बात फाइनल है, पहले जनरल हम डिटेल समझ रहे हैं क्वेश्चन की। अब मैंने आपसे कहा कि जब कभी भी आदमी का शेयर कंफर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, शेयर, तो शेयर के लिए हमें उस आदमी का वर्क लेना होता है और इनटू एक यूनिट का पैसा लेना होता है। यही कर रहे हैं, ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि मेरा जो फोर्थ टाइप आएगा वो बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे इतना बता दीजिए कि जब मैं यहाँ से बात करूँगा ए के शेयर की, किसके शेयर की बात करूँगा, ए के शेयर की, तो फिर ए ने कितना काम किया। तो आपको बताया कि वर्क जो दिखाता है वो कहता है कि ई इंटू मुझे टी चाहिए। तो बेटा देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बात समझ रहे हैं, आप कहेंगे सर बहुत बड़ा समझा रहे हैं, बेटा ज़रूरत है आप इसे समझो, आपको दिल पर पत्थर रख के, ईंट पत्थर भाले सब रख लो और समझ लो इसे। तो ए के एफिशिएंसी और हमें यहाँ से ई ए बन, एक कंसेप्ट की कहानी है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये किसके हिस्से में आई होगी, ए के हिस्से में, ठीक है ना, इसकी एफिशिएंसी ले ले रहा हूँ। अब मैं अगर बात करूँगा बी के शेयर की, तो बी का जो शेयर होगा वो उसकी अपनी एफिशिएंसी उसके अपने टाइम और इनटू एक्स से बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही, फिर इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब जा कर के हमें कुल कितने रुपए बांटने हैं, 500 रुपए बांटने। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा थोड़ा यहाँ से, ठीक है ना, उस लाइन को यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब बेटा मुझे इतना बता दो कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बात क्लियर है, और उसने भी तो 48 ओवर 5 डेज तक ही काम किया है, बात फाइनल, इनटू आपसे कहा जा रहा है सर एक्स, और एक्स यूनिट का पैसा कितना है बेटा यहाँ से, 500 ओवर, बोलो ना 500 ओवर कितना है बेटा, 48। बात समझ में आ रहा है, ये किसके शेयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ से, एयर के शेयर की। तो बेटा देखो 48 से 48 कट गया, और 5 से जब इसे काटेंगे 100 टाइम और 100 का गुणा 3 में करेंगे तो ए को मिलने वाली राशि कितनी हो गई, 300 रुपये। अगर मैं बी के शेयर की बात करूँगा, किसके शेयर की बात करूँगा, बी के शेयर की, तो बी की एफिशिएंसी 2, उसने भी तो 48 ओवर 5 दिन तक ही काम किया है और एक यूनिट का पैसा है 500 ओवर कितना, 48। फिर देखो ये कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार बेटा 100 टाइम, और 100 का गुणा जब 200 में करें, 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो ए का शेयर 300 है और बी का शेयर कितना है, 200 है। बात नहीं आ रही है समझ में, मैं फुल प्रूफ पहले पूरी चीज़ों को लेकर के, क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है ना, मैं दोबारा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, चीज़ों को समझ, मैं चाहता हूँ कि पहले क्वेश्चन पर आप अपने 5-6 मिनट खर्च करें जैसे कि आगे के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को भी लिख लेना और मैंने यहाँ जो नोट लिखवाया उस नोट के हिसाब से भी काम कर लेंगे। मैं दोबारा डिटेल लेकर चलता हूँ, मैं ये कह रहा था कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, हम बाकी ट्रिक्स तैयार करेंगे इसके बाद, और बी उसी काम को 24 दिन में तैयार करता है। बेटा टोटल काम कितना हो गया, 48, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों जब मिलकर करेंगे तो दोनों ने कितने टाइम तक किया, दोनों का जो टाइम है वो है बेटा टोटल 48 काम करवाने, और पावर दोनों की 5 है, तो इतने टाइम में काम ख़त्म हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतने टाइम में काम ख़त्म हुआ। फिर मुझे एक चीज़ और समझनी है कि हमारे पास टारगेट कितना है बेटा, 48। जब 48 काम के 500 रुपये मिलते हैं तो फिर एक काम के कितने रुपये मिलेंगे, मुझे ये समझना होगा पहले। मैंने कहा पहले कंसेप्ट समझो उसके बाद मैं ट्रिक्स तैयार करूँगा।
तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ सर 48 का एक्स गुना कर दिया जाए तो मुझको कितने रुपए मिल जाएंगे, 500 रुपए। एक्स गुना क्यों कर रहा हूँ बेटा, अगर 48 काम के 48 रुपए मिल जाते तो एक काम का एक रुपया मिलता, 96 रुपए मिलते तो एक काम के 2 रुपए होते, लेकिन यहाँ कितने 500 हैं, तो पता नहीं कितना गुना पैसा मिला, एक काम का कितना रुपया मिला। तो एक्स की यूनिट आ गई बेटा 500/48। और एक्स क्या है बेटा, ये एक्स है एक यूनिट वेजेस, बात समझ में आ रही है, यानी एक यूनिट काम की मजदूरी है ये। अब मुझे इतना बता दो, पहली चीज मैंने कहा कि आपको डिटेल में समझाएगा जब ए के शेयर की बात करेंगे, तो एक कितना काम करता है और इनटू एक काम की कितनी मजदूरी मिलती है। मैं और डिटेल में जाऊं तो वर्क इनटू बराबर होता है ई इनटू टी और इसको मिलने वाले पैसे। फिर मेरे बच्चे अगर मैं देखूं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, और इसने भी तो इतने ही दिन तक काम किया है। जब 48 ओवर कर दूंगा 5, ठीक है ना, और इनटू हो जाएगा एक्स, तो एक एक्स का पैसा देखो यहाँ कितना मिल रहा है, 500/48, 500/48, बात समझ रहे हैं। ये किसका शेयर है बेटा, ए का। सेम कहानी में हमें यहाँ से बी का शेयर मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जानते हैं बी की एफिशिएंसी 2, काम किया 48/5 दिन और इसको भी पैसा एक का इतना ही मिला। जब हम किसी व्यक्ति के बीच में पैसे को बांट दें किसी भी तरह से, तो आप मुझे बताना कि 48/48 कैंसिल, 5 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 100 टाइम, और 100 दूनी हो जाएगा 200, यानी इसको पैसा कितना मिला, 200। अगर मैं फिर वही कैंसिल करूं 5 से या 100 टाइम, तो बेटा इसको मिलने वाले पैसे कितने हो गए, 300। यहाँ तक फाइनल है। अब इसके काम के 300 रुपये हो गए, क्योंकि मेरा जो सी टाइप है या बी टाइप है इसी से रिलेटेड है, इसके 300 रुपये हैं और इसके कितने रुपये हैं, 200 रुपये हैं। अब मैं अगर ऐसे देख लूँ तो आप मुझे इतना बताएं कि इन दोनों के अंदर जब मैं रेशियो कन्फर्म करूँगा, यानी पैसे जब मैं बांटता, अगर मैं इनके शेयर के बीच में रेशियो कन्फर्म करता, तो मुझे बताना अनुपात निकालते समय ये प्रॉपर्टी कॉमन होती दोनों में, अरे जवाब दो, ये प्रॉपर्टी कॉमन होती दोनों में। जब दोनों में कॉमन होती तो आपको पता है कि यहाँ से क्या कैंसिल हो जाता, टाइम कैंसिल हो जाता, एक यूनिट में मिलने वाले पैसे भी कैंसिल हो जाते, और वो जो पैसा होता वो 3:1 कितने में बट जाता, 2 में, यानी कि 300/200 का रेशियो भी बेटा कितना आता, 3:2। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर समझना अच्छी तरीके से क्या है। अब हम ये कहते हैं यहाँ से कि जब बेटा हमारा टाइम इक्वल होता है, अरे जवाब दो, क्या इक्वल होता है, टाइम इक्वल होता है, तो मैं देखिए एक अनुपात बना रहा हूँ ए का शेयर अनुपात बी के शेयर में। जब मैं रेशियो बनाने गया तो मुझे पता है कि इसकी एफिशिएंसी E1 है, इसका टाइम वही है और इसको मिलने वाली यूनिट एक्स है, अनुपात। इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसका टाइम वही है और इसको मिलने वाली यूनिट वही है। यहाँ तक खोपड़ी काम कर रही है। तो मेरे बच्चे एक बात बता दो कि जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने है कि जब सब कुछ सही सही चल रहा है, तो इसका देखो टी यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इनके मिलने वाले शेयरों का अनुपात वही होगा, इनके मिलने वाले शेयरों का अनुपात वही होगा जो इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा, इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा। समझ रही मैं कितनी कहानी आपको समझाना चाह रहा था एक सवाल के लिए, कि ये जो E1 रेशियो E2 में बांट देते हैं इसका कॉज क्या होता है। इसका कॉज होता है कि अगर दोनों का टाइम समान हो, दोनों को मिलने वाली राशि भी इक्वल ही होती है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग काम के अलग अलग पैसे मिलेंगे। इसकी क्षमता E1 है, इसकी क्षमता E2 है, तो मेरे बच्चे टी से टी कट जाता है, एक्स से एक्स कट जाता है, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाती है। तो आप अपनी कॉपी पर एक नोट लिखिए जिसे मैं बोल रहा हूँ, कि अब नोट को ध्यान से लिखना है आपको, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, लिखेंगे यहाँ से, बोर्ड पर नहीं ऐसे ही बोल देता हूँ। किसी व्यक्ति को मिलने वाली मजदूरी उनकी क्षमताओं के अनुपात में बांटी जाएगी यदि उन व्यक्तियों ने समान समय तक कार्य किया हो। कहाँ तक कार्य किया हो बेटा,
समान समय तक कार्य किया हो। बात क्लियर है? तो अब हम इसी कंसेप्ट से अपने पहले सवाल को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा कंसेप्ट था, अब इसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व का तरीका साफ साफ ये होगा बेटा कि जब मैं यहाँ से देख लूँगा, अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच में आऊँगा। आपको बताया कि ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, हमें इस व्यक्ति का यहाँ बेटा क्या दिया है टाइम, इसका 16 दिन है और इसका कितना दिन है 24। तो आपको पता है कि अगर काम इक्वल हो तो इनकी क्षमताएं बदल जाती हैं इस तरीके से। तो 24 ओवर क्या हो जाएगा यहाँ से अनुपात में 16, 8 से काट देंगे, 8 या 24 और 8 दूनी 16। इसको 3 यूनिट पैसा मिलेगा, इसको 2 यूनिट मिलेगा, तो टोटल यूनिट कितना पैसा हो गया 5, और ये बराबर कितने के है 500। तो 5 से काट देंगे, एक यूनिट का जो पैसा है, अब डायरेक्ट हम करेंगे यहाँ से, एक यूनिट का जो पैसा है बेटा वो कितने 100 है यहाँ से 100। तो अगर इसका पैसा पूछे तो 100 का गुणा कर दो यानी 300 हो जाएगा, अगर इसका पूछे तो आप यहाँ से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 200। मैंने आपसे कहा ना कि आपको कुछ भी नहीं लेना, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? बहुत ईजीएस्ट है, जब हमें टाइम दिया है तो उसका व्युत्क्रमानुपाती क्या कर देते हैं एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों ने जो किया है वो वर्क कैसा किया है वही काम किया है, तो मैं कुछ भी न लूँ डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चीज़ें समझते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम धड़ाक ट्रिक से उड़ाएंगे बहुत सेकंड में, अब ज़्यादा हमें काम नहीं करना है, लेकिन वीडियो तो मैं लास्ट तक देखनी है। आप देखिएगा आज से मैं चीज़ें बहुत अच्छी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कहा यहाँ से ए तथा बी किसी काम को क्रम से 25 डेज तथा 20 डेज में कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा कार्य के अंत में उन्हें कुल मजदूरी 1800 रुपये मिली, तब बी का शेयर क्या है। तो इतना हमें पता चल गया कि ए ने कहीं बीच में काम नहीं छोड़ा, बी ने कहीं बीच में काम नहीं छोड़ा, तो ए और बी के द्वारा किया गया जो कार्य है वो समान समय तक किया है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारा केवल एक ही कंसेप्ट है, हमें टाइम लेना और यहाँ से क्या निकाल लेनी है एफिशिएंसी। अभी मैं 3 वाला कराऊंगा, अभी यहाँ से 2 वाले पर ही हम काम कर लेंगे। तो ए करता है 25 में और बी करता है यहाँ से कितने में 20, तो आपको बता इस तरीके से काम कर लेंगे। तो यानी कि एफिशिएंसी इसकी 20 होगी तो इसकी 25 हो जाएगी, बात फाइनल है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन रेशो काट के करोगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। 5 से काट दिया 4 बार और 5 से काट दिया 5 बार। तो अब एक बात बताओ, इसको मिलेगा 4 यूनिट शेयर और इसको मिलेगा 5 यूनिट शेयर, तो 4 और 5 टोटल कितना हो गया 9 यूनिट। थोड़ा सा फास्ट है समझना है, और 9 यूनिट का टोटल पैसा कितना है 1800। तो बेटा एक यूनिट का पैसा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा ज़रा बताओ बच्चे, कितना हो जाएगा 200। तो जब ए के बात करेंगे तो यहाँ से 200 का गुणा कर दो, यानी इसको मिलने वाले रुपए 800 होंगे। अगर बी की बात करा है तो यहाँ से 200 का गुणा कर दो, इसको मिलने वाले रुपए कितने होंगे 1000 होंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब हमारे ए और बी दोनों के टाइम इक्वल हैं बेटा, तो उस केस में हम बहुत आसान तरीके से सवाल को कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? एक बार और समझ लो। मैंने कहा ए का टाइम 25 है, बी का टाइम 20 है, जब काम बराबर हो। देखिए चीज़ों को जब तक हम मैथमेटिकली नहीं समझेंगे तब तक बेटा कैसे अप्रोच और ट्रिक्स लग सकेंगे। जब दोनों के काम बराबर होंगे तो इनकी क्षमताएं व्युत्क्रमानुपाती होंगी, यानी इसकी 20 होगी इसकी 25। मैंने कहा आप क्वेश्चनों को कोशिश करो किस में कन्वर्ट करने की, रेशियो में, 5 से 4 टाइम 5 से 5 टाइम। इसको 4 यूनिट शेयर मिलेगा, इसको 5 यूनिट शेयर मिलेगा, 4 5 कितना हो जाता है हमारा 9, तो 9 यूनिट का पैसा कितना मिल रहा है हमें 1800, और 1 यूनिट का 200, तो 4 यूनिट का 2 800 और यहाँ से 200 पंजे 1000, बात फाइनल है। अभी हम एक तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, उसमें 3 लोग लेंगे तो देखते हैं कैसे करना है। देखेंगे बेटा अब थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन को भी देखें। कल मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, इसके बाद मैं उसी क्वेश्चन को उठाऊंगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएंगी चीज़ें, समझिएगा। देखिए ए कॉमा बी तथा सी किसी काम को क्रम से 18, 24 व 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तथा कार्य समाप्ति पर उन्हें कुल 2700 रुपये मजदूरी मिली, तो बताएं बी का शेयर क्या है। देखिए सबसे पहले आपको मैंने कहा वैसे, अब जब सभी के टाइम बराबर हैं तो इनके शेयर इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ना इनकी एफिशिएंसी के से निकालना है, इनकी जो एफिशिएंसी है, तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप व्युत्क्रमान वाला मेथड, पहले मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि अब आपको बताया कि अगर ए के दिन बेटा 18 हैं
बी के दिन 24 हैं और सी के जो दिन हैं हमारे वो 36 हैं। अगर ये टाइम का रेशो है तो आपको पता है कि ज़्यादा आसान यही होता है कि आप इनका एलसीएम ले लें तो जो 72 आ जाएगा, 18 से भाग 4 बार जाएगा, 24 का 3 बार जाएगा और 36 का 2 बार जाएगा। यानी आप एफिशिएंसी अपने रनिंग मेथड से 3 वाले केस में थोड़ा जल्दी ले सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा केवल इस मेथड से। तो अब आप यहाँ से समझ लें कि जो पैसा बटेगा वो 4:3:2 में बटेगा, तो इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 3:2, तो कुल टोटल बेटा कितनी यूनिट होंगे हमारी 9 यूनिट, और 9 यूनिट का पैसा कितना मिल रहा है 2700, 9 से डिवाइड कर दो तो एक यूनिट का जो पैसा है वो कितना मिल जाएगा यहाँ से 300। जब एक यूनिट का 300 अगर हमसे एक शेयर की बात करेगा तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ए को 4 यूनिट × 300 यानी कि बराबर 1200 की बात होगी। बी के शेयर की बात करेगा तो बी की 3 यूनिट × 300 बराबर 900 हो जाएगा, और सी की बात करेगा बेटा तो यहाँ से सी की यूनिट 2 है और × 300 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अब कहीं ना कहीं हमारे पास एक चीज़ तो समय में क्लियर हो जाती है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर मेरा टाइम इक्वल है, टाइम कैसा है इक्वल है, तो डेफिनेटली हम अपने काम में जो पैसे बांटेंगे वो एक ही मेथड होगा और वो जो शेयर होगा वो एफिशिएंसी बेस्ड होगा, ठीक है ना। यही टेक्निक थोड़ी ज़्यादा इसकी आसान है क्वेश्चन करने की, बाकी आप एफिशिएंसी फिर दूसरे मेथड से निकालेंगे तो थोड़ी टफ हो जाएगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा, ठीक है ना। अब दूसरे मेथड्स में क्या होता है, दिक्कत कहाँ जाती है, देखिए वहाँ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वहाँ रेशियो बनाने आसान नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैं वही मेथड अपना दूँ यहाँ से, यहाँ टाइम ले लूँ, पहले ये ए है ये बी है, पहले ए और बी के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो ये 18 दिन ले रहा है तो ये 24 लेगा, तो इनकी एफिशिएंसी अपोजिट हो जाएंगी, यहाँ से ये 24 हो जाएगा, ये 18 होगा। फिर आपसे बी अनुपात सी की बात कर रहा है, यहाँ से जब हम सी को उठाएंगे तो अगर बी जब 24 ले रहा है तो सी हमारा यहाँ से 36 ले रहा है, फिर बेटा आप क्या करेंगे इस केस में, फिर एफिशिएंसी को कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 24। देखो एक बार ये 18, एक बार ये 36 है, तो इस पूरी यूनिट में हमें 2 का गुणा करना होगा, तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए 48 होगी, ये 72 होगी, ठीक है ना, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी 24। उस केस में हमें काटना होगा ऐसे 12 × 48, 12 × 72 और 12 × 24, इस अनुपात में जब पैसे बटेंगे और भी छोटा हो जाएगा हमारा ये का। तो ये ना थोड़ा सा लफड़े का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इस चीज़ को नहीं बताया, इसको आसान कर लीजिएगा। अब मैं कल वाला एक होमवर्क उठाता हूँ क्वेश्चन में, और उस होमवर्क से रिलेटेड वाले क्वेश्चन को देखिएगा जो बहुत आसान क्वेश्चन है पूरी तरह से। एक बार होमवर्क के क्वेश्चन को टेक्निकल टीम बताएगी क्वेश्चन क्या था, जरा मैं देख लेता हूँ बेटा, वो सवाल मैं लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या था जरा उसे मैं बताना चाहूँगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन को एक बार लिखता हूँ तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। आओ बेटा, कल वाली क्लास में मेरे बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, देखिए मैंने बिल्कुल अभी ए टाइप उठाया, बिल्कुल बेसिक टाइप उठाया, बेसिक टाइप का ही ये क्वेश्चन है, बस आपको अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करना है बड़ी तरह से। क्वेश्चन क्या करा है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तथा कुछ दिन बाद इसी कार्य छोड़कर चला गया। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो लोचा पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला गया। अब आप तुरंत अपने दिमाग में एक फीडिंग कर लोगे कि जब सी काम छोड़कर चला गया तो ये तो कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न हो गया, और इसमें तो वर्क के शेयर से हिसाब होगा, ए ने काम कितना किया, बी ने कितना किया, हम सी के बारे में कैसे जानेंगे। तो आपको ना अपनी बड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना, चला गया तथा शेष कार्य ए तथा बी ने समाप्त किया, ये इसका क्विज है। देखिए ये मैं पॉइंट यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा आपसे। किया यदि बी का शेयर सी के शेयर से 3200 रुपीज़ अधिक हो, जबकि सभी को कुल प्राप्त मजदूरी 9600 रुपीज़ है, तो बताएं ए का शेयर क्या। सवाल तो मैं तेजी से ही पढ़ता हूँ मेरे बच्चे, मैंने कहा कि ये आपको लाइन में सॉल्व करवा, आप ये देखिए कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने काम अंत तक किया है। तो आप कह रहे हैं सर अंत तक तो काम ए ने और
बी ने किया है, तो मुझे बताया कि ए और बी के जो टाइम है वो तो समान होंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल समान होंगे। जब ए और बी के टाइम समान होंगे तो डेफिनेटली उनको मिलने वाली जो मजदूरी होगी वो उनकी क्षमताओं के ही अनुपात में होगी, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सर इतना तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला काम आपका यहाँ से क्या करना है कि इनकी क्षमताएँ निकाल लो। तो आपको उन्हीं की क्षमता से मतलब है जिनकी क्षमता आपको अंत तक काम आए, इसमें सी का कोई रोल ही नहीं है। सी का रोल हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। अब मुझे इतना बता दो कि जब सी का कोई रोल नहीं है तो आप इतना समझ गए कि ये काम करता है 30 दिन में और ये करता है कितने दिन में, 40 दिन में। जब इसे यहाँ से इस तरीके से आप अपोजिट कर देंगे तो इसके 40 और इसका 30, तो आप मुझे बता दें कि इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना होगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे इतना तो कर सकते हो, जब ए किसी काम को 30 दिन में करता है तो बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो इनकी क्षमताएं अपोजिट होंगी कि नहीं होंगी। ये यहाँ 40 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 30 में। देखो डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, आप टाइम कैसे बचाएंगे अपना। तो आप कहेंगे सर इसकी क्षमता 4 है और इसकी क्षमता कितनी है, 3 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं यहाँ से कह रहा हूँ ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर, इसको कितना पैसा मिलेगा 4 यूनिट का और इसको कितने यूनिट का पैसा मिलेगा, 3 यूनिट का। अब मैंने माना कि एक यूनिट का जो शेयर है वो एक्स रुपये है, तो इसका भी एक्स हो जाएगा। इसमें एक क्विज और दिया है कि जो बी का शेयर है वो सी से कितने रुपये ज़्यादा है, 3200। तो 3x में से अगर 3200 रुपये माइनस कर दूँ तो ये किसका शेयर हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा। अब तीनों के शेयर को अगर मैं जोड़ दूं तो ये शेयर 9600 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो 4x और 3x और 3x कितने हो गए, 10x। तो आप ये कह सकते हैं सर 10x बराबर है, 10x बराबर है 9600 प्लस 3200 के। 3200 कहाँ से आ गया, अरे ये माइनस का है तो राइट में चले जाएंगे। तो बेटा जब एक्स की प्रॉपर्टी ले लो, इनको जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12800 ओवर 10, तो 0 कट गया। तो एक यूनिट का पैसा कितना मिला, 1280। तो मैं किसके शेयर की बात कर रहा है, ए के शेयर की। तो मेरे बच्चे आप यही तो कहेंगे इसको 4 मिला था, एक्स का पैसा कितना है 1280, 4 का गुणा कर लो, 4 0 4 8 32, 4 2 8 और 3 31, 4 2 8 3 11 है, 4 1 4 और कितना 5, तो मात्र कितने रुपए मिल जाएंगे उसे, 5120। आप मुझे बताओ दुनिया में इसका सॉल्यूशन इससे छोटा हो कैसे सकता है। आप कैलकुलेशन बना रहे हैं, आप इक्वेशंस बना रहे हैं, आप दुनिया में जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना भाई, इतना सरल क्वेश्चन है, आप अपनी खोपड़ी का पूरा भेजा खा चुके हो, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसको इस सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। आप कोई भी चीज़ डिफाइन मत करिए, मैं कहता हूँ सेकंडों के क्वेश्चन हैं भाई, सेकंडों के पढ़िए तो सही, मिलिए तो सही, हमसे हम बताएंगे क्या है, जलवा है अपना, आप समझ रहे हैं ना। एक बार इसको देख लें, क्वेश्चन स्क्रीन शॉट ले लें, इसके बाद मैं अभी करता हूँ सवाल को और अच्छी तरह से, ठीक है ना। ले लिया, दोबारा समझ लो, मैं घूंसे लगा दूंगा ना ऐसे करोगे तो। अभी क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है ए कोमा बी थी सी डॉट 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 फलाना सवाल पढ़ लिया है, मुझे इतना समझना है कि इसमें अंत तक कौन काम कर रहा है। तो आपने कहा सर अंत तक ए और बी काम कर रहे हैं। जब अंत तक ए और बी काम करते हैं तो उनको मिलने वाले रुपए उनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात में मिलेंगे। मैंने कहा ए के दिन 30 हैं और बी के दिन कितने हैं, 40। तो ए की क्षमता इधर होगी और बी की क्षमता इधर होगी, तो यहाँ 0 0 ऐसे हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका काम 4 और इसका काम कितना हो गया, 3। तो मैं ये कहूँगा कि ए का शेयर 4 होगा तब बी का शेयर 3 होगा। मेरे बच्चे एक यूनिट का पैसा मैंने पहले भी कहा था कि वेजेस पर यूनिट एक्स रुपये मानिए आप। जब एक्स मानेंगे तो ए को मिलने वाले कुल रुपये 4x होंगे, बी को मिलने वाले कुल रुपये कितने होंगे, 3x। लेकिन क्वेश्चन में मेरे बच्चे ये कह रहा है कि बी को मिलने वाला जो शेयर है वो सी के शेयर से 3200 रुपये ज़्यादा है, तो जब इसको 3x मिलते हैं तो इसको 3x में से कितने रुपए कम मिलेंगे, 3200 रुपये। और तीनों के रुपयों को अगर जोड़ दें तो मिलने वाली टोटल वेजेस हो जाएगी। तो मैंने वही तो किया है कि सबके पैसों को जोड़ दिया, 4x 3x 7x हो गया, 7 और 3 कितना हो गया बेटा यहाँ से 10x। तो इस 3200 को राइट में ले आओ, 10x बराबर 9600 प्लस 3200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200x, 1280। तो भाई मेरे अगर a का शेयर पूछे तो 4 का गुणा करो, b का पूछे तो 3 का करो, और c का पूछे तो 3 का गुणा 1280 माइनस 3200 कर दो, आप
आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक सवाल और मैं डिक्टो यहीं से उठाता हूँ, आप देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। आइए जरा, ये भाई एक और क्वेश्चन बनाया बेटा, ये एनटीपीसी कश्मीर बोर्ड में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, यहीं से हमें प्रेरणा मिली एक नए सवाल को करने की जो आपके सामने है। देखें जरा, बोर ना हो, मज़ा आ रहा होगा आपको। ए कोमा बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20 दिन, 25 दिन तथा 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तथा कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए तथा सी ने समाप्त किया। यदि ए का शेयर बी के शेयर से 1800 रुपया अधिक हो जबकि सभी को कुल प्राप्त मजदूरी 7200 रुपये है तो बताएं ए का शेयर क्या है। देखिए आपको मैंने कहा इसमें एक ही चीज़ समझनी है कि कौन व्यक्ति ऐसा है बेटा जिसने काम अंत तक किया है। तो आपने कहा है सब काम छोड़कर कौन गया है, बी कार्य छोड़कर गया है। तो आपके लिए जब बी काम छोड़कर गया है तो आपको पता है कि ए ने काम किया होगा और किसने किया होगा, सी ने। आप बी को बाद में रखिए, ठीक है ना, जो काम छोड़कर चला जाए उसको हमेशा बाद में पटको। और तो सबसे पहले इसमें आपका काम क्या है कि आप ए और सी के एफिशिएंसी कंफर्म करेंगे। तो ए का कितना है 20 और बी का कितना है 35, लेकिन ये क्रॉस हो जाएंगे। टेक्निकल टीम बताया जा रहा है, ऊपर तक दिखाई दे रहा है जहां मैं लिख रहा हूं ऊपर, यानी कि उस जगह पर यहां 35 होगा और इसकी जगह 20 होगा। मैं काट दूंगा तो 5 7 35 और 5 4 20 बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहूंगा यहां से माना ए का पैसा 7x है तो बी का पैसा, सॉरी सी का जो पैसा है वो 4x है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन्होंने तो काम मिलके पूरा किया है पूरे समय तक, तो पूरे समय तक इनको पैसा मिलेगा। अब वो कह रहा है कि ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से कितना ज़्यादा है बेटा, 1800 रुपये ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7x में से अगर 1800 रुपये हटा दूँ तो ये पैसे बी के पास हो जाएंगे, और इन सभी पैसों को बांटना है तो ये रुपये टोटल होंगे 7200 रुपये के बराबर। यहाँ तक ठीक है, 7 4 11 और 7 18 हो गया, तो यानी कि ये 18x बराबर ये उस समय चला जाएगा तो ये 9000 हो जाएगा। तो x की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ से कितने रुपए, 500 रुपए। उस कर आ जाइए, कुछ ऐसे लोगों ने भी इसका आंसर निकाल दिया है जिन्होंने मैथमेटिक्स का एम नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से x की प्रॉपर्टी कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 500। अब क्या करना है हमें, हमसे पूछा क्या है तो बताओ ए का शेयर क्या है। तो ए का शेयर बेटा कितना है, 7x है। तो आपको पता है कि यहाँ से आप 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 कितने रुपए आ जाएगा, 35। बहुत आसान है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो एक बार अगर आपके दिमाग को ना घुमा दे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। डेफिनेट गारंटी लिखता हूँ, इसके बाद के क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, देखिए ज़रा, देखेंगे बेटा बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक नया क्वेश्चन है ये, बहुत सारे। मैंने कहा ना 90% के अप्रोक्स बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, क्योंकि देखिए आप अगर ये कहें कि सर आप कैसे कह सकते हो, बेटा मैं एक अध्यापक हूँ और पिछले करीब 11 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी करीब मैं 9 ईयर्स एक्टिव हूँ और एक कॉम्पिटिटिव अकेडमी में, आप जानते हैं मैं खुद एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान का कारोबार देखता हूँ एज ए डायरेक्टर, एज ए ओनर। तो मुझे पता है मैं खुद मैथमेटिशियन होने के नाते कि ऐसे सवालों को हमने खुद अप्रोच में आज से 4-5 साल पहले ही देखा था। तो ये चीज़ें बनी, क्वेश्चन आए, देखा गया। क्वेश्चन इस तरीके से बेटा कि ए किसी कार्य को 20 डेज में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 1 दिन में कर सकता है। दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तथा कार्य की समाप्ति पर उन्हें क्रम से 180 रुपये और 240 रुपये मजदूरी मिली, तो बताएं एक्स का मान क्या है। देखिए ये तो मैंने फॉर्मली क्वेश्चन लिखा है यहाँ से कि एक्स का मान क्या है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, छोटे पेपर, क्लरिकल एप्टीट्यूड वगैरह में कहीं आ सकता है। लेकिन ये सवाल ये पूछा गया है कि दोनों ने कार्य मिलकर कितने समय में पूरा किया था। ये FCI एग्ज़ाम ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है, 2015 में किसी बुक में क्वेश्चन पहली बार देखा। और मज़ेदार बात यह कि बेटा इस क्वेश्चन का केवल आंसर था और सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन सॉल्यूशन हमें अपने तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या है तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लो, अच्छी तरह समझ लो और रोक के वीडियो आप पहले खुद प्रयास करो काम करने का। अभी 2 से रिलेटेड है, मैं धीरे धीरे इसमें 3 से रिलेटेड भी कराऊंगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अभी इस लेक्चर में, देखिएगा ज़रा। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में केवल एक्स के मान की बात करूँ तो एक्स का मान कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पहले इसका ट्रिकी अप्रोच समझ लो।
आपको पता है कि यहाँ टाइम है, यहाँ एफिशिएंसी है, ये ए है और ये कौन है बेटा, बी। इसने 20 दिन में काम किया और इसने एक्स दिन में काम किया, तो आप ऐसे बांट देंगे, ये एक्स होगा तो ये क्या होगा 20, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अब आपको बताया कि जो ए का शेयर है वो एक्स होगा और बी का शेयर कितना होगा 20, और ये बराबर है इसके 180 रुपये और इसके कितने रुपये बेटा, इसके 240 रुपये। अरे यही तो क्वेश्चन है हमारा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी पावर 20 है, इसकी जो दिन है 20, इसके एक्स हैं, जब मैं इधर ले आया तो इनके बीच में मिलने वाला रेशियो क्या कह रहा है, एक्स अनुपात 20 की बात कर रहा है। जब एक्स अनुपात 20 की बात कर रहा है बेटा, तो मैं ये कहता हूँ कि इसको एक्स के रुपये मिले होंगे और इसको किसके मिले होंगे, 20 के। अनुपात होता तो बट्टे में लिख सकते हैं। इसको 180 रुपये मिल गए, इसको 240 मिल गए। बेटा जब इसे काटोगे तो आपको पता है 60 कॉमन है, क्योंकि जीरो से कट जाएगा, 6 3 18 और 6 4 24, उस 4 से ये कितने बार कटेगा, 5, और ये 5 उधर चला जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितने दिन निकल कर आ गई बच्चे, 15 दिन निकल कर आ गई। बहुत आसान चीज़ है, यानी कि एक्स का जो मान है वो 15 दिन है। इसी क्वेश्चन के बाद में अगर आप इस सवाल को दूसरे मोड में ले जाना चाहो तो दूसरे मोड में कह रहा है कि दोनों ने कार्य कितने दिन में समाप्त किया, तो मेरे बच्चे आपको बोला जा रहा है कि एक काम 20 दिन में कर लेता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो दोनों का काम कितना हो गया 60, इसकी पावर 3 और इसकी पावर क्या हो गई बच्चे 4, और दोनों करेंगे तो 7 की पावर से, तो 7 8 56, ऊपर 4 बचेंगे नीचे 7, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 का फॉर्मेट है। बात क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए हमने अपना एप्टीट्यूड चेंज नहीं किया, हम जहाँ चल रहे थे उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि ए 20 डेज में करता है तो माना बी एक्स दिन में करता है क्योंकि उसने दिया है, तो एक्स इधर आ जाएगा 20 इधर चला जाएगा, तो ये इनकी मिलने वाली बेटा क्या हो जाएंगी क्षमता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब ए का शेयर एक्स है तो बी का शेयर 20 है, तो यहाँ से मिलने वाला 180 है और यहाँ 240 है, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, उस 4 से ये 20 5 बार, 5 3 गया, तो इधर बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो अब तो हम दूसरे टेक्निकल अप्रोच से निकाल ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं एक सॉल्यूशन आप लोगों को और देना चाहूँगा, पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है ना। मैं एक सॉल्यूशन और देना चाहूँगा और आप कहेंगे सर वो सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए वो सॉल्यूशन अगर आपका थोड़ा सा अच्छा मेथड आप समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, जब मैं ए के शेयर की बात करूँगा, एज शेयर, जब मैं ए के शेयर की बात करूँगा तो मुझे इतना बता दीजिए कि ए का जो शेयर होगा वो उसकी एफिशिएंसी, बात फाइनल है, उसके बाद में मिलने वाले पैसे एक्स, क्योंकि टाइम तो दोनों में कॉमन है, कोई इशू नहीं है, बात फाइनल है। लेकिन ये कह रहा है सर ए ने काम 20 दिन में किया, यहाँ से ऐसे ले लो, और बी के बार कह रहा एक्स, फिर आप इतना यहाँ से समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लिखेंगे, यहाँ से एज शेयर कितना दिया है बेटा 180, जो बराबर होता है ई इंटू एक्स के। अब एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ से 20 शेयर की बात करूँ तो ये कितना है बेटा 240, जो बराबर है ई इंटू एक्स के। मेरे बच्चे ये मान लीजिए कि यानी कि ये जो है कहानी, ये एक यूनिट का मिलने वाला पैसा है, जब दोनों ने टाइम बराबर किया था तो कॉमन हो गया। तो अब आप ये देखें कि इसमें ये ई वन है और यहाँ क्या है हमारा ई टू, ध्यान देंगे बोर्ड पर, ये ई वन है और ये हमारा क्या है यहाँ से ई टू है। इन दोनों में बेटा कौन कॉमन है, एक्स कॉमन है, यानी कि इनको मिलने वाली मजदूरी कॉमन है। आप जानते हैं ना कि मतलब जैसे अगर मान लो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 4 है, तो इनको मिलने वाली मजदूरियों का अनुपात भी 3:4 होता है, यानी 7 यूनिट का मान लीजिए 420 मिलते हैं, तो एक यूनिट का पैसा यहाँ से 60 मिला, उस 60 का गुणा 3 में करके तो आप 180 निकालते हैं और यहाँ करके 240, कुछ ऐसे ही करना होता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा इस क्वेश्चन के लहजे में मेरे बच्चे, कि आप ये बताइए कि आपके इस 180 में और 240 में कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है। तो आपने कहा सर वो नंबर एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो देखो दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा क्या कॉमन है, यहाँ से जीरो कॉमन है। अभी जब जीरो हट जाएगी तो आपको बताइए 18 बचेगा और ये 24 बचेगा, तो 18 और 24 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो यानी कि हो जाएगा 60। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 180 3 इंटू 60 से बना होगा
और ये 240 चार इंटू साठ से बना होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बात फाइनल है। 60 जो रुपए होंगे बेटा वो एक यूनिट का पैसा होगा, तो इतना पता चल गया कि एक यूनिट तीन है, कितनी है तीन, और बी की यूनिट कितनी है चार। तो अब यहाँ से आप टोटल वर्क भी डिफाइन कर सकते हो भाई, तीन काम रोज होकर के 20 दिन में कितने काम होंगे 60 काम, अगर चार काम रोज होते हैं तो 60 काम कितने दिन में होंगे 15 दिन में। तो ये काम यहाँ से डायरेक्ट हो सकता था, दोनों कितने में मिलके करेंगे आप, तीन चार जोड़ दो 7 से भाग दे दो, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने क्या राम ऐड पढ़ दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैं ऊपर बोर्ड से समझाता हूँ। देखिए आज मैं जानबूझकर क्वेश्चन में टाइम नहीं ले रहा हूँ बेटा, आज के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है टाइम देना, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं जानता हूँ कोई भी टीचर बहुत ज़्यादा डिटेल में और अच्छी तरह पढ़ाता नहीं है। जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसका तो आप 90% हिस्सा पहले से जानते थे, लेकिन आप दूसरे का हिस्सा नहीं जानते थे। मैं यहाँ दोबारा बताना चाहता हूँ बेटा, एज शेयर जो होगा वो E1 इंटू एक्स बराबर 180 होगा, और मैं जब बी के शेयर की बात करूंगा तो मुझे बच्चे आपको बताएंगे E2 इंटू एक्स बराबर 240 होगा। जब इन गुणनफल में कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसी को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो 180 और 240 का जो HCF है वो क्या है, तो मैंने यहाँ से देखा कि इन दोनों के, फिर मैं HCF वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि जब HCF लेते हैं तो इन नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं डायरेक्ट, तो मैंने यहाँ से देखा कि इनका डिफरेंस कितना है 60। इसका मतलब क्या है कि 60 से ये नंबर भी डिवाइड है और ये नंबर भी डिवाइड है, यानी कि ये 180 बना होगा बेटा 3 × 60 से, और ये 240 बना होगा 4 × 60 से। यहाँ तक बात फाइनल हो गई। अब इससे क्या देखा गया कि ए की क्षमता 3 होगी और बी की क्षमता क्या होगी 4 होगी। तो मुझे इतना बताओ कि टोटल वर्क की बात करूँगा तो ई इंटू टी ले लूँगा, ई ए की क्षमता कितनी है 3 और दिन कितने बेटा 20, तो टोटल बच्चे काम कितने हो गए बेटा 60, और मुझे करवाना है बी से तो बी की पावर कितनी है 4, और 4 का मैं भाग दे दूँगा तो बताओ जरा कितने दिन हो जाएगा 15 दिन। देखिए पृथ्वी गोल है, सवाल बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिएगा, मैं और एक मेथड उठा लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसके बाद के क्वेश्चन में, देखें जरा। देखिए बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने और है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने हैं। पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, जो कि बी उसी काम को एक्स दिन में, और सी उसी काम को वाई दिन में समाप्त कर सकता है। बात क्लियर है यहाँ से। यदि कार्य करने के लिए क्रम से उन्हें 1380, 920 तथा 690 रुपये प्राप्त हों तो बताएं। एक चीज़ मैंने आप लोगों से कही थी कि कई बार सवाल में क्या होता है बेटा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो ये नहीं कहता कि तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया और कार्य समाप्त हो गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं देता। तो वो अंडरस्टूड होती है कि उन्होंने सबने काम किया होगा और लास्ट तक काम मिला होगा। देखिए अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से चलना होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन रिक्वायर्ड करेगा हमें ऐसे ही काम करना है। सबसे पहला सवाल है कि एक्स का मान बताओ, दूसरा मान है क्वेश्चन में वाई का मान बताओ, तीसरा मान कह रहा है ए तथा बी मिलकर करेंगे, चौथा क्वेश्चन कह रहा है बी और सी करेंगे, और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। लेकिन बेटा इतना तो आप सब जानते हो कि पेपर में कोई एक ही सवाल पूछा जाएगा, तो जब एक ही सवाल पूछा जाएगा तो हम इसे दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या काम करना है, तो ज़रा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में कैसे होगा। देखिए मैंने पहली स्थिति तो ये कही अगर आपसे कि अगर मान लिया जाए कि आपको पता है कि ए और बी के बारे में बात करें और यहाँ से बेटा हम सी के बारे में बात करें, तो इस जगह पर हमें पता है कि ये 14 दिन लेता है, ये एक्स दिन लेता है, ये वाई दिन लेता है, ये इनके टाइम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे यहाँ से एफिशिएंसी की। देखिए अब रिक्वायरमेंट क्या होगी कि अगर मान लिया जाए तुम्हें एक्स का मान पूछा है तो 14 और एक्स का रेशियो निकालो, और अगर तुमसे पूछा जा रहा है वाई का मान क्या है तो 14 और वाई का मान निकालो। बात समझ में आ रही है? तो पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक्स का मान क्या है, तो आपको बता कि इन दोनों को अपोजिट कर दो, इस जगह एक्स हो जाएगा, इस जगह 14। यहाँ तक बात फाइनल है? तो मैं ये कह दूंगा कि इसको एक्स यूनिट के पैसे मिलेंगे, इसे 14, इसको मिल रहे हैं 1380 रुपये और इसको मिल रहे हैं 920 रुपये, दोनों चीज़ें बराबर होगी। बाकी आप कहानी समझ चुके हो, मैं इसमें क्या डिटेल ज़्यादा समझाऊँ। तो अब बेटा देखो 0 से 0 कट गया, 23 छक्के 23 चौके, बात समझने, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 2 से कट गया 7 बार, तो एक्स की वैल्यू 21 दिन आ गई। जवाब दो बेटा मुझे यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो मैंने लिख दिया यहाँ से 21 दिन।
नहीं आई बात सुनिए भाई, मैंने कहा ये तो करना सिखाया मैंने लास्ट सवाल में। अगर मान लिया जाए तुमसे पूछा जाए वाई का मान, तो मैंने आपसे बस इतना कहा, सिर्फ इतना कहा, देखिए अब आप एक्स का मान निकाल ही चुके हो, 21 दिन यहाँ से आ गया है, तो अब आप ये कह सकते हो कि जब इन दोनों के रेफरेंस की बात करोगे, इन दोनों के अनुपात की बात करोगे यहाँ से, तो आप इन दोनों को लगा सकते हो वाई अनुपात 21, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए का सी के साथ ले लो, बी का सी के साथ ले लो, तो आप ये कह सकते हो कि इसके वाई दिन होंगे तो इसके 21 होंगे, जब इसे 920 मिलेंगे तो उसे 690 मिलेंगे, यही तो क्वेश्चन कहा जा रहा है भाई हमारा। तो बेटा इस सवाल को जब हम सॉल्व करने गए बच्चे, तो जीरो से जीरो कट गया, 23 चौक 92 और 23 थी 69, 3 से कट गया 7 बार, तो अब 7 का गुणा वहाँ कर दो, तो वाई की वैल्यू जो है वो कितने दिन आ गई, 28 दिन आ गई, देख सकते हैं। तो वाई का जो मान है बेटा वो कितने दिन आ गया बच्चे, 28 दिन। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे और आगे प्रिंट किए जा रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी के बारे में बात कर रहा है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो मैंने अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछना है तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, तुम्हें याद होगा कि ए इंटू बी कर दो, नीचे ए प्लस बी कर दो, बहुत सारे मेथड है, अगर आप मैथ पढ़े तो कोई भी लॉजिक लग जाएगा, या जनरली आप यही कह सकते हो सर ए किसी काम को यहाँ से जो कर रहा है वो 14 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 28 दिन में कर रहा है, सबका एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा, 84, 14 6 84, 21 6 84, 28 3 84। अब ये काम जैसे जैसे तुमसे कहा जा रहा है वो कराएगा, ए और बी कितने में करेंगे, तो बेटा देखो यहाँ से जोड़ लो 6 और 4 कितने हो गए 10, तो ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में 84/10 कर देंगे तो बराबर 8.4 डेज आंसर आ जाएगा। अगर तुमसे ये कहा जाता है यहाँ से कि बी और सी कितने में कर लेंगे, तो बी और सी के रेफरेंस के लिए आपको पता है कि 84 काम है और बी और सी की क्षमता 4-7 है, तो यहाँ से कितने दिन आ जाएगा बेटा 12 दिन। तीसरा केस पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर लेंगे, तो 84 में 6 4 10 और 3 कितने हो गए 13, तो 13 6 78 ऊपर 6 और नीचे हो गया 13 दिन, काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन को बार बार समझो, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ यहाँ से, मैंने कहा अगर वो x की वैल्यू पूछे तो x इधर ले जाओ और 14 इधर ले लो, x ऊपर है 14 नीचे है, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ से तो यहाँ आपको बताइए इसके 1380 रुपये हैं, इसके 920 हैं, जीरो से जीरो कट गया, जब बेटा मैं इसे मुझे पता कि 92 और 138 में कॉमन 23 होता है, तो 23 6 138 23 4 92, ये 4 2 से यहाँ काट दिया 3 बार और ये काट दिया 2 बार, और 2 की जो वैल्यू थी हमारी वो प्रॉपर कैंसिल हो गई, यहाँ 2 से ये 7 बार कट गया, 7 3 21, तो एक्स का मान 21 आ गया। फिर अगर मैं सी के रेफरेंस में लेना चाहूँ तो मैंने कहा बेटा ए और सी भी ले सकते हैं, बी और सी भी ले सकते हैं, जब बी की वैल्यू वाई होगी तो इसकी आपको बता ना ऐसे कर देंगे, ये वाई हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, तो वाई वाले के 920 रुपये हैं और 21 वाले के 690 रुपये, जीरो से जीरो 23 6 92 23 69, 3 से 7 बार 7 4 28, तो वाई की वैल्यू कितने रुपये आ गए बेटा 280 रुपये, बात फाइनल है। अब हमसे सवाल में मान लीजिए अगर हमसे यही फाइनल क्वेश्चन पूछा जाता तो इतना काम करते क्या हम, इतना काम करना पड़ता हमें, तो मैं देखिए इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ के स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, ठीक है ना, एक चीज़ को इस तरीके से समझो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट के लिए देखिए स्टूडेंट को एक बहुत ही प्रभावी ग्रिगेट होना पड़ता है, उसे हर पल अपनी उम्मीद अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, हर वक्त बेटा उसका माइंड चौकन्ना रहना चाहिए, ठीक है ना, वो कहानी थी ना सुनील शेट्टी की एक फिल्म थी अन्ना हर वक्त चौकन्ना, आपको चौकन्ना रहना है। आपको पता है कि पहले व्यक्ति को 1380 रुपये मिले हैं, दूसरे को 920 रुपये मिले हैं और तीसरे को 690 रुपये मिले हैं, तो मैंने कहा आपको पता इन सब के कामों में जीरो है। इसके बाद आपको बताया कि यहाँ 138 बच रहा है, 92 बच रहा है, ये 69 बच रहा है, तो इनका जो HCF आएगा वो 23 आएगा, यानी कि 230 230 और 230, बात समझ रहे हैं। अब 230 जब हम ले लिया तो इसका गुणा 6 बार हो रहा है, यहाँ बेटा गुणा 4 बार हो रहा है और इसका गुणा 3 बार हो रहा है, यानी ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है और ये किसकी एफिशिएंसी है, सी की। तो अब आपका काम था यहाँ से केवल केवल टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क बताया आपको कि ए ने काम किया है 6 की पावर से 14, तो अब आपके काम कितने हो गए 84 काम हो गए। अब मान लीजिए ये एक रेफरेंस से मैं लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा मेरी स्पीड से दिक्कत है, मैं समझा रहा हूँ दोबारा से, मैंने कहा देखिए ये पैसे कैसे मिले होंगे, ये पैसे उसकी E1 इंटू एक्स से मिले होंगे,
बात समझ रहे हैं ना, इधर मैं लिख देता हूँ समझ लेना। E1 into x से मिले होंगे, ये E2 into x से मिले होंगे और ये E3 into x से मिले होंगे, बात समझ रहे हैं। तो इन सभी में बेटा क्या कॉमन है, x कॉमन है, यानी ये x ही इनके किसके बराबर होगा, ऐसी है जो बराबर होगा एक यूनिट वेजेस के। यहाँ तक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1380 920 690 में जीरो कॉमन था, फिर 138 92 और 69 का HCM। बेटा ये देखो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपसे आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ आप जब देख लेंगे इस केस में, तो ये 230, तो 230 दिया, 230 चौका, 230 छक्के। तो अब केस में क्या कर रहे हैं बेटा, कि ये एफिशिएंसी ए की है, ये बी की है और ये किसकी है, सी की। तो टोटल वर्क हमारा क्या कहता है, टोटल वर्क कहता है कि जिसकी एफिशिएंसी पता हो उसी का टाइम ले लो। हमें ए की एफिशिएंसी 6 पता है और इसका टाइम भी 14 पता है, तो अब हमने काम यहाँ से कितना ले लिया, 84। अगर हमें कहे, अब कोई सवाल कह रहा है, अगर तीनों ने कार्य कितने में किया, तो 6, 4, 10 और 3, 13 का 84 में भाग दो। वो कहे ए और बी से करवाना, 6, 4, 10 का भाग दे दो, बी सी से कराना, 4, 3 का भाग दे दो, ए सी से कराना, 4, 3, 9 का भाग दे दो, किससे करवाना है। तो आप यहाँ से करें सर, ए प्लस बी प्लस सी से 84 काम पावर हो जाएगी 13, 13 × 78, ऊपर 6 बज जाएंगे, नीचे 13, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपको एलसीएम ले लेना, बस एक ही चीज़ है आपसे आना चाहिए, लेना इन नंबर्स का क्या एचसीएम, ठीक है ना। आज की वीडियो भी फिनिश नहीं हुई है बेटा, इसके बाद मैं आपको दूसरे टाइटल के क्वेश्चन लूँगा, जिनमें मैं कराऊँगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क शेयर। तो अगली वीडियो का आप वेट करिएगा, कल हम दोबारा से आपके साथ हाजिर होंगे, ठीक है ना। आज के लिए यहीं, आज अभी कोई, क्योंकि अभी टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क नहीं लिखा, आज कुछ अर्जेंसी की वजह से थोड़ी वीडियो छोटी है, बाकी हम कल वंस अगेन मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते रहेंगे, बाकी तो आप समझदार हैं, छोटा भी कुछ नहीं, करीब 1 घंटा हो गया होगा। बाकी बेटा वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, आप कॉल ना करें, केवल मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, ठीक है ना, कॉल मैं अक्सर उठाता नहीं, तो वो सीधे सीधे आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, मेरी टेक्निकल टीम मुझे सेंड कर देती है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको डायरेक्ट भी बात करता हूँ। बाकी हम मिलते रहेंगे, अच्छा रहेगा और आप सेफ रहें, ठीक है ना, जो भी हमारे इंडिया के लोग रहने वाले हैं बेटा, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन और बढ़ गया है 14 दिन का 17 मई तक रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं वंस अगेन।